एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर 12 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। पहला दिया है x प्लस 1, उसके बाद और भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो भी यहां पर आपको दूसरा पॉलिनोमियल दिया है उससे, और डिवाइड करने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देख चुके हैं इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में। पिछला जो वीडियो था वो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्रीवियस वीडियो करके भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो, डायरेक्ट आप उसमें क्लिक करके भी देख सकते हो उस वीडियो को। तो यहां पर जब अपन को डिवीजन करना है तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप जैसे कि नॉर्मली आप डिवाइड करते हो, अगर सपोज आपको 2 से 5 को डिवाइड करना हो तो इस तरीके से आप डिवाइड करते हो, तो इस तरीके के डिवीजन को लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको इसे डिवाइड करना है तो x प्लस 1 को आप से आप डिवाइड करोगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये जो मेथड है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है। इस तरीके से आप डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है उसे ये बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकता है। हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ही इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि आपको लॉन्ग डिविजन मेथड से इसको सॉल्व करना है या फिर रिमाइंडर थ्योरम से। तो जो चीज आपको ईजी लगे उससे आप सॉल्व कर लो। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ईजी है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये आप जरूर देखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो जिससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, इसको लिखोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का पहले हम लोग 0 फाइंड आउट करेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, अगर आपने पिछला एक्सरसाइज नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहां पर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 0 माइनस 1, क्योंकि यहां पर प्लस 1 है, राइट साइड जाएगा तो माइनस 1, एक्स का वैल्यू आ गया माइनस 1। अब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आई होप यही किया है। ठीक है, यहां पर पुट करते हैं माइनस 1 को, एक्स के जगह माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3x यानी कि 3 इंटू माइनस 1, उसके बाद दिया प्लस 1। सॉल्व करते हैं, देखो माइनस 1 का क्यूब मतलब क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करो वो अपने आप से तो आंसर 1 ही आएगा। आपको साइन जरूर चेक करना है। पहले देखो यहां माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, तो यहां आएगा माइनस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर लिखा है तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 का तो 1 ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर प्लस 1 है, 3 इंटू प्लस 1 कितना होगा, 3 प्लस 3। ठीक है, अब यहां देखो 3 इंटू माइनस 1, तो 3 1 का 3 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहां आ गया प्लस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल हो गया, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसल हो गया, फाइनल आंसर आपके पास बचा 0। यानी कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 0। यही है रिमाइंडर थ्योरम। इसी तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इस किसी भी पॉलिनोमियल का आप इस तरीके से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसको रब करता हूं, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है एक्स माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना, प्रोसेस सेम है, रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करेंगे। यहां पर आएगा पहले x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 बाई 2 को राइट साइड भेजेंगे, यहां माइनस पे है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई 2। फाइनल आ गया x का वैल्यू 1 बाई 2।
अब ये 1/2 जो है x का वैल्यू, इसको हम लोग पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। यहां पर पुट करके देखते हैं, पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1। एक्स का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 1/2, क्या होगा देखो, 1/2 का क्यूब सबसे पहले प्लस 3x² यानी कि 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x यानी कि 3 × 1/2 प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं, ये जो क्यूब है ये 1 के लिए भी है और 2 के लिए भी है, ठीक है। 1 का क्यूब हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, ठीक है, कितना होगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यहां आ गया 8 प्लस यहां आ गया 3 × 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस, अब यहां देखो 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। यहां भी आप कर सकते हो 3 × 1 तो 3 ही होगा, ठीक है, तो मैं यहां पर कर देता हूं 3/4, सब जगह प्लस है, सबका एडिशन करना है, फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन करना है, आपको आता है। क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इनके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो आएगा 8, ठीक है, आप ट्राई भी चेक कर सकते हो, 8, 4, 2 और 1, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। इन सबका अगर आप एलसीएम निकालोगे, सब 2 से डिविजिबल है, 2 से करते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, और ये 1 का 1 ही रहेगा। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = ये 1 का 1 और ये 1 का 1, फिर फाइनली 2 से डिवाइड होगा, 2 × 1 = 2, ये 1, ये 1 और ये 1, तो देखो 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, 8 आ गया अपना एलसीएम, ठीक है। अब क्या करना है, 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो इसके न्यूमिनेटर को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स में आता है, 4 × 2 = 8, तो इसके न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 हो गया 6 प्लस 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, 2 × 4 = 8, तो इसके न्यूमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12 प्लस 1 के टेबल में 8 8 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 8 हो गया 8। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा देखो, 12 + 8 हो गया 20, 20 + 6 = 27, 27 + 1 = 26, 27 डिवाइडेड बाई 8, ये इसका रिमाइंडर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिमाइंडर 27/8 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको रख करता हूं, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। थर्ड में दिया हुआ है एक्स, सिर्फ आपको एक्स दिया हुआ है, करना क्या आपको कुछ नहीं, आपको केवल मेथड फॉलो करना है, आपको इसको जीरो के इक्वल कर देना है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू है जीरो। अब इस जीरो को यहां पर पुट करके देखते हैं कि क्या रिमाइंडर आएगा, आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1, यहां जीरो पुट करेंगे, x के जगह 0 आ गया 0 का क्यूब प्लस 3 × x के जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3 × x के जगह 0 प्लस 1। अब 0 का क्यूब हो या 0^100 हो, आंसर तो 0 ही आएगा, यहां आ गया 0 प्लस 3 × अब देखो 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो गया, 3 × 0 यहां भी 0 हो गया प्लस 3 × 0 यहां भी 0 हो गया प्लस यहां आ गया 1। अब देखो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 0 + 0 + 0 + 1, तो 1 इसका आंसर हो गया, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड किया जाए तो आपके पास 1 बचेगा आंसर, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ प्रॉब्लम है, देखो फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको, x + π, ठीक है। अब यहां पर पाई दिया हुआ है, आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पाई लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड सेम है, पहले इसको जीरो के इक्वल करते हैं, क्या आएगा, x + π = 0, पाई को अगर राइट साइड भेजेंगे तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, x + π दिया हुआ है, ओके, x = 0 - π, अब 0 - π मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू -π, ठीक है, ये हो गया। अब -π जो है यहां पर पुट करेंगे हम लोग x के जगह पर, तो क्या आएगा,
थ्री एक्स का क्यूब यहां पर लिख लेता हूं पहले मैं, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स के जगह पुट करना है हम लोग को माइनस फाइव, तो ये आ गया माइनस फाइव का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर यानी कि थ्री इंटू फाइव का माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स यानी कि थ्री इंटू माइनस फाइव प्लस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो पाई का क्यूब, तो पाई का क्यूब तो पाई का क्यूब ही रहेगा क्योंकि पाई इंटू पाई इंटू पाई, अगर पाई इंटू पाई इंटू पाई करोगे तो पाई क्यूब आएगा, ठीक है। यहाँ अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो उसका मल्टीप्लीकेशन होता, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है तो पाई का क्यूब लिखोगे। साथ में ये जो साइन है इसका भी मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस 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 तीनों जगह है, तो माइनस इंटू माइनस पहले प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस हो गया, तो ये माइनस पाई का क्यूब आएगा प्लस, यहां देखो माइनस पाई का स्क्वायर है तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई, तो पाई का स्क्वायर हो गया पहले, ये हो गया थ्री इंटू पाई का स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया क्योंकि दो ही बार करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहां क्या होगा देखो, थ्री इंटू पाई तो थ्री पाई होगा, और ये प्लस इंटू माइनस क्योंकि थ्री प्लस में और पाई माइनस में, प्लस इंटू माइनस यहां होगा माइनस प्लस वन। अब इसको इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सबका यहाँ पर पावर अलग अलग है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन इनके बीच में पॉसिबल नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो आपका आपके पास ये बचेगा रिमाइंडर में, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो फिफ्थ में दिया है फाइव प्लस टू एक्स, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके इससे हमको लाना रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर आएगा, तो आपको मेथड फॉलो करना है। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 5 प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, पहले 5 को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, यहां प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो गया, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू जीरो माइनस फाइव, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस फाइव। अब 2 को राइट साइड भेजेंगे, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड होगा, x इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग को पुट करना है यहां पर किस पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल है अपना एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब x का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं माइनस फाइव बाई 2, तो माइनस फाइव बाई 2 का क्यूब हो गया पहले, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर यानी कि थ्री इंटू माइनस फाइव बाई 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस थ्री एक्स यानी कि थ्री इंटू माइनस फाइव बाई 2, और लास्ट में आ गया प्लस वन, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखो 5 का क्यूब यानी कि 5 इंटू फाइव इंटू फाइव, ये जो क्यूब है दोनों के लिए, 5 के लिए भी और 2 के लिए भी, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 5 का 25, और 25 इंटू 5 अगर आप करोगे तो होता है 125, यहां आ गया 125। आप साइन का भी लफड़ा है, तब माइनस में है, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, तो ये माइनस इंटू माइनस पहले प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस आप करोगे तो फाइनली माइनस आएगा, तो यहां आ गया माइनस डिवाइडेड बाई 2 का भी क्यूब है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, यहां आ गया 8। अब इसके बाद यहां देखो प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर तो होता है 25, यहां आ गया 25 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 25 प्लस में रहेगा क्योंकि माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव अगर आप करोगे तो सिर्फ माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 इंटू 25 बाई 2। लेकिन जब आप इसके बाद सॉल्व करोगे तो देखो 3 5 का हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो साइन है यहाँ आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, लास्ट में आ गया प्लस 1। आप इसको आपको सॉल्व करना है जैसे आप फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही करना है। पहले इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 8, ठीक है, हम लोग पहले भी ले चुके हैं 8 2 और 2 का, सॉरी यहाँ 2 नहीं ये 4 है क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 5 के लिए भी और 2 के लिए भी, ठीक है। तो 8 4 और 2 का एलसीएम 8 होता है, यहां भी 8 है यहां भी 8 है, तो इसका न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा माइनस 125 प्लस 3 इंटू 25 तो 75 होता है, ठीक है, 75 पहले लिख लेता हूं। अब देखो 4 से 4 के टेबल में जो 8 है वो 2 टाइम्स में आता है,
तो इसके न्यूमरेटर को हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 75 इंटू 2 हो जाएगा। 2 के टेबल में जो 8 है वो 4 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 15 इंटू 4 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इसका डिनोमिनेटर 1, तो 1 के टेबल में 8 जो है 8 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 8 होता है 8। अब क्या आएगा देखो यहाँ पर, माइनस 125, 75 इंटू 2 ये होता है 150, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना ठीक है। 15 इंटू 4 ये होता है 60, तो माइनस 60 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है आप इजीली कर सकते हो, यहाँ पहले बच जाएगा 25 ठीक है, और 25 60 25 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 33, और 60 माइनस 33 यहाँ आ गया ये 10, ये 5, 10 माइनस 3 7, और ये आगे 2 ठीक है। अगर मेरा प्लस माइनस में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप चेक कर लेना, यहाँ आ गया 27 डिवाइडेड बाई 8। अब आपको ये ध्यान रखना है कि साइन किसका लगेगा ठीक है, तो देखो पहले मैंने इसको सॉल्व किया था, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ माइनस हो गया, ए सॉरी यहाँ पर प्लस हो गया क्योंकि 150 बड़ा था ठीक है, तो यहाँ बच गया था 25, 25 प्लस 8 33 हो गया था, और 33 जो है 60 से छोटा है, तो जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो बड़े का साइन लेने की यानी कि माइनस साइन आएगा यहाँ पर ठीक है। आप अच्छे से सॉल्व करना, साइन माइनस का ही आएगा, माइनस 27 बाई 8 इसका रिमाइंडर बचेगा जब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे ठीक है। तो ये हो गया, ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन।